हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को लेके सो so, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट को फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से ये प्रॉब्लम रहती ही है ये शिकायत रहती ही है कि क्या किया जाए इस सब्जेक्ट के साथ वैन यू कम इन सेकेंड ईयर बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर आपका सामना होता है कि ऐसे सब्जेक्ट से जहाँ चारों तरफ हर पेज पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स देखने को मिल रही हैं सो अप टू लेवल अप टू अ सर्टन लेवल आप रैशनली यूज करके लॉजिक्स यूज करके काफ़ी कुछ याद कर सकते हो बट वॉट अबाउट कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए है ना तब आप हाँ क्या करोगे जब ब्रेन की कैपेसिटी फुल हो जाती है कितनी चीज़ें आप लॉजिक के साथ यूज़ कर, करके याद कर ली बट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ़ द मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स ऐसी रहती हैं जो आपको मग अप करनी पड़ती हैं याद करनी पड़ती हैं और फिर क्या होता है कि एंट्रेंस पर्पज़ से भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पर्पज़ से भी जब ओवरऑल हम पढ़ के सब कुछ ख़त्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल गई होती हैं क्योंकि ब्रेन की भी अपनी कैपेसिटी है सो विद डैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर आपके साथ केवल प्रॉब्लम की नहीं सोल्यूशन की बात करने आई हूँ और यहाँ मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने का यही फ़ायदा है कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं हर एक स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक जो कि आपकी इस जर्नी को ब्यूटीफुल बना सके और नर्सिंग को आप ईजीली और इस्मार्टली परस्यू कर सके राइट सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है आपका uh, टाइम कैसे सेव करना है आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से डील करते वक्त सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आपके फ़ोन में होना चाहिए एक ऐप एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप जिसके थ्रू आप इसका यू you नो know, इस, इसका एडवांटेज ले पाओगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल का नाम और चैनल का नाम हमारे चैनल का नाम क्या है आर एंड एसपरेंट सो आर एंड एक्सप्रिंट सर्च करो कि आप मैंने पूरा नहीं डाला क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आर एन uh, करते ही पूरा क्लियरली शो हो रहा है सो आर एन एसप्रिंट चैनल पे जाना है एंड इस चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉर्नर में ये है पिंड मैसेजेस। सो वंस यू विल क्लिक ऑन पेंड मैसेजेस इस तरीके से आप स्टार्टिंग से देख पाओगे अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो फोर्थ ईयर का मटेरियल अवेलेबल है अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर का लाइन से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे अवेलेबल हैं लेकिन हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की सो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे इस जगह पे टिक करना है इस जगह पे ठीक है यहाँ से आप टिक करोगे तो आप बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी ये ग्रुप में पहुँच चुके हो जहाँ पे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ डाल दिया गया है अपलोड किया गया है so, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे बुक्स दिखने लगी हैं फार्माकोलॉजी मेड इनक्रेडिबल इजी निमोन के डी त्रिपाठी भी है एंड डेंटल की बुक्स भी हैं पी के पनवार की बुक भी है मतलब जितनी भी बुक्स हो सकती हैं जितनी भी बुक आपके दिमाग में आ सकती हैं फार्मा की वो बुक्स मिल जाएंगी आपको इस चैनल पर फिर और क्या चाहिए होता है किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होते हैं नोट्स मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो वो मिल जाएंगे मतलब हर सब्जेक्ट का आप जितना कुछ सोच सकते हो नोट्स प्रीवियस पेपर बुक्स जितनी भी सारी ठीक है वो सब कुछ यहाँ पे लाइन से मिलेगा फार्माकोलॉजी के नीचे लेकिन अभी हम बात किसके बारे में करने वाले अभी हम बात करने वाले हैं स्पेशल बुक के बारे में आप ऊपर आ जाओ जहाँ से यहाँ पे वापस आपको यहीं पे आना है ठीक है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे एंड यहाँ पे आपको दिखेगी फार्माकोलॉजी निमोनिक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसको आप ओपन करेंगे यहाँ से मैं इसे ओपन कर ले रही हूँ एंड नाउ सी द मैजिक ऑफ दिस बुक सो so, बुक का नाम है फार्माकोलॉजी निमोनिक्स फॉर द फैमिली नर्स स्पेशली नर्सेस के लिए है तो आप समझ सकते हो कि अकड़म शकड़म और ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें इसमें नहीं डाली गई हैं हमारे पर्पज से ये हमारे लिए बुक बनाई गई है हमें ही डेडिकेट की गई है सो दिस बुक इज़ स्पेशली फॉर नर्सेज बट और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हैं ये बुक का मेन जो एडवांटेज uh, है वो ये है कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी निमोनिक वो बंदा ये ऑथर जो इस बुक का राइटर है वो बना सकता था उसने बैठ के बनाए हैं अच्छे अच्छे और फिर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इस बुक में सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर वन वाई आई रोड दिस बुक क्यों लिखी उसने बुक क्योंकि उसको भी फ्रस्ट्रेशन हो गया है फार्म पढ़ते पढ़ते कैसे पढ़ा जाए तो फाइनली तो उसने सबके लिए ईजी बनाने के लिए ये बुक बना दी देन फाम फार्माकोलॉजी पर्ल्स सेकेंड चैप्टर है पर्ल्स ठीक है तो इसमें आपको एब्रीविएशन्स मिल जाएंगे आप देख सकते हो ये सारे एब्रीविएशन जिससे कि आप किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इजीली पढ़ सकते हो फॉर एग्जांपल ए डी ए डी क्या है राइट right ईयर है राइट right? इस तरीके से ओ यू ओ यू इज फॉर बोथ आइज ये सारा कुछ आपको स्मार्टली प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में हेल्प करेगा और डॉक्टर भी इम्प्रेस रहेंगे कि अरे इतना नॉलेज इतना तो हमें भी नहीं पता था हमारे टाइम पे सो so, ये हो गया एब्रीविएशन फिर आता है थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इससे पहले सॉरी यहाँ पे कॉमन मेडिकेशन क्लासिफिकेशन एंड एक्शन है फिर ये फार्माकोलॉजी सुफिक्स हैं जो कि आपको यू you नो know, एक जनरल आइडिया दे, दे देंगे कि हाँ मतलब ये ड्रग जो है उसका नाम इस तरीके से हो सकता है जैसे पीटा ब्लॉकर और मतलब एक आइडिया जस्ट जस्ट फॉर एन आइडिया यू नोट इट्स नॉट अ रूल कि अगर यहाँ पे ये लिखा है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो उसके पीछे ए मिल आएगा तो जितने भी कैल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं सबके पीछे ए मिल आएगा ऐसा नहीं है राइट सो वी हैव वेरापेमिल वेरापेमिल में पीछे ए मिल आ रहा है बट अगर आप देखो तो और कैल्शियम जनरल ब्लॉकर्स भी हैं जिनके पीछे ए मिल नहीं आ सकता कुछ और आ सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल निफ़ी हो गया निफी में ई मिल कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है सो so, ये पेज के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये है वायरल ड्रग्स एंड वायरल ड्रग्स जो हैं ये वो ड्रग्स हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग में मिडल में या एंड में कहीं पे भी वायरस लिखा हुआ दिख रहा है ठीक है तो इसका मतलब वो ड्रग जो है वो एक एंटी वायरल ड्रग है वायरल ड्रग है वो ठीक है सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा रहा है जैसे एबे वीर तो लास्ट में वीर आ रहा है ठीक है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेला साइक्लोवीर इसमें भी लास्ट में वीर आ रहा है जितने भी लास्ट में वीर 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 लास्ट में आ रहे हैं ये सब क्या है आपकी? आ, हैं आपकी एंटी वायरल ड्रग्स हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में वीर आ रहा है हुँ? इस तरीके से फिर आगे चलते हैं आगे हमें मिलेंगे इसी बुक में मेडिकेशन एंटीडोड्स जो जो स्पेशल वाले जो क्रूशियल रहते हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से एंट्रेंस पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है वो सारे लिख दिए गए हैं इधर की साइड पे मेडिकेशन दे रखी हैं और इधर इनके एंटीडोड्स दे रखे हैं ठीक है नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी कन्वर्जनस जो आपको आपके ड्रग कैल्कुलेशन में हेल्पफुल रहेंगे एडिशनल कन्वर्जन्स भी हैं और उसके बाद यहाँ पे वो थैरेपेटिक डोजेस हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम की तो कितनी बार एंट्रेंस में पूछे जाता है वन ऑफ द वेरी मतलब फेवरेट क्वेश्चन फॉर ऑफ एग्जाम्पलर पूछना ही पूछना है लिथियम का ठीक है नेक्स्ट फिर आता है आपके ये देखो यहाँ से शुरू होता है मेन थिंग कि क्या खूबसूरती क्या है इस बुक की कार्डियोलॉजी चैप्टर सो ए सी इनिबिटर ए सी इनिबिटर एज यू नो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है एंड इसके साइड इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है कैप्ट्रोपिल इज द निमोनिक विच इज़ गिविन इन दिस बुक ठीक है कैप्टर या याद हो गया ईजी है अब इसमें इस मुझे छोटी छोटी बातें लिखी गई वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी जैसे कि टेटोजिनिक इन फर्स्ट सेमेस्टर तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और कितनी बार आया है ठीक है फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं मैं पूरी बुक तो डिस्कस करने वाली हूँ नहीं आपके साथ आपको जो अच्छा लगे आपको जो आपका निमोनिक आपको पहले कहीं नहीं दिखाए आप वो लीजिए मैंने कह रही पूरी बुक पढ़ी है, है ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भर मार मिलने वाली हैं निमोनिक्स की जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पर देख सकते हैं हम यूजस सो so, यूजस के लिए कैल्शियम मैश कैल्शियम और ये मैश तो ये यूजेस हो गए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कि ये आ, किस तरीके से कहाँ कहाँ होता है एंजाइना में माइग्रेन में एट्रियल फ्लटर में सुपरा वेंडिकल टेकिकार्डिया में हाइपर में है ना तो आपको वही आपको जहाँ जो फिजिबल लगे आप वहाँ से वो निमोनी को उठा सकते हैं उस चीज़ को ईजी बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक और आ गया एक और इंटरेस्टिंग है एम्योडेर एम्योडेरॉन के साइड इफेक्ट्स के लिए आपको सिक्स पी याद रखने हैं और इसमें देखो फोटो सेंसिटिविटी कितनी बार क्वेश्चन आया पैरिफिल कन्वर्जन ऑफ टी फोर टू टी थ्री इनहिबिट कर देता है एम्योडोरॉन का ये साइड इफेक्ट है सो हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा यानी कि हाइपोथायरोडिज्म वाले पेशेंट को हमें कॉशियसली देना है एम्योडेरॉन और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में सो so, ये बुक यूनिवर्सिटी एग्जाम से तो इम्पॉर्टेंट है ही बट एंट्रेंस के लिए तो ये इट्स अ यू नो अफ्ट इस राइटर की तरफ से आप लोगों के लिए देन दे आर सो मैनी थिंग्स नाइन्टी वन पेजेस हैं तो हम सारे पेजेस तो नहीं कवर कर पाएंगे यहाँ पे बट आप लोग देख लेना आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे जहाँ से जो आपकी हेल्प जितनी आपको हेल्प मिल सके जितना यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा है इस बुक को है ना सो so, ये देखो ये एक और अमेजिंग आ गया सल्फोना माइट के मेजर साइड इफेक्ट्स और सारे के सारे ऐसे अपना पूरा फ्री टाइम लेके एक दिन अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए इसके सारे पेजेस को और जो भी इंटरेस्टिंग लगे उसको आप जरूर से इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लर्निंग में और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू एंड यस व्हाट एल्स कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड सो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड